रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। सो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए, मतलब जैसे ग्लास होता है ना, तो ग्लास के बने ही सारे लेंसेस भी आते हैं। ठीक, वैसा नहीं है कि पता चला आपने जो है कुछ भी ले ले और कह दे लाइट पास हो रही है, बोले बोर्ड से इधर से उधर पास करेंगे लाइट तो कैसे पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप एक लेंस देख रहे हैं, आप सबको एक लेंस दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, दिस इज अ टोटली ग्लास, बस इसका जो डिजाइनिंग करी गई है ऐसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और एक अभी हम दिखा देंगे तो वो दूसरा कॉनकेव लेंस आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका जो लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरा जो आपको दिख रहा होगा उल्टी इमेज दिख रही होगी। तो एक्चुअली हम यस सर इनवर्टेड, कि अभी आपको समझाएंगे कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। ठीक, ओके, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेंड होती क्यों है, क्योंकि यहां पर एक नोट आपको लिखने वाला है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे इन वैक्यूम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इन एयर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अराउंड 2.98×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, लगभग एयर और वैक्यूम में हम लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं कि 2.98 ऑलरेडी आपको मालूम है 3 के बहुत क्लोज है। ठीक है, फिर इसके बाद इन वाटर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हो जाती है 2.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड। घट गई, क्यों भाई, घटी कि नहीं घटी? यस सर, जितना टेंशन उतना कम। इन ग्लास, जब ग्लास मीडियम में पहुंचती है तो केवल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे डेंसिटी मीडियम की बढ़ती जा रही है, यानी कि मीडियम डेंस होता जा रहा है, वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट भी है वो भी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। जितना मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होंगे या मीडियम में पार्टिकल होंगे ही नहीं, तो जब मीडियम में पार्टिकल कहाँ नहीं होंगे, वैक्यूम में, वैक्यूम में कोई मीडियम के पार्टिकल नहीं होते स्पेस में। तो देखो 300,000 km/s स्पीड है, इतनी स्पीड की कल्पना करना कितना कठिन काम है। एयर में आ गए तो एयर में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं तो भी 2.98×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी आप समझिए कि जब आप देखिए कभी इस जो है सर्दियों के मौसम में कोहरा कुहासा आपको देखने को मिलता है ना, तो जब आप वहां पर देखेंगे फॉग आपको दिखेगा तो वहां पर रास्ता तक नहीं दिखता, कि अगर बहुत ज्यादा फॉग है, यानी कि वहां पर मीडियम बहुत डेंस हो गया तो लाइट को पास करने दे ही नहीं रहा, यानी कि उसकी स्पीड बहुत कम कर दी है। ठीक, इसी प्रकार वाटर में आ जाए तो वाटर में भी स्पीड देखिए कितनी कम हो गई, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड हो गए। तो यहाँ पर 300,000 km/s थी और यहाँ पर जो वाटर में स्पीड 2,25,000 km/s हो गई। और जब ग्लास की बात करते हैं, जैसा कि हम लेंस दिखा रहे थे, यहाँ स्पीड और कम हो जाएगी, 2,00,000 km/s हो जाएगी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई सबको। तो दो तरह के मीडियम होते हैं, ठीक है, एक तो रेयरर मीडियम होता है और दूसरा डेंसर, डेंसर मीडियम होता है। तो रेयरर मीडियम की क्या खास है कि नो पार्टिकल्स और वेरी लेस पार्टिकल्स हैविंग वेरी लेस पार्टिकल्स, ठीक है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
ईच अदर, एक दूसरे से कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जबकि डेंसर मीडियम में क्या होता है, लॉट ऑफ पार्टिकल्स क्लोज और क्लोजली ईच अदर। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या? नो सर। बहुत बढ़िया, तो ये सब आपने भैया देखो नोट कर लिया, नोट कर लिया किसी ने, नोट करा आपने? यस सर। सबने? चलो हम आपको दे रहे हैं दो मिनट, दे रहे हैं दो मिनट में सब लोग नोट करो। ओके सो आगे चलते हैं, थोड़ा अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका डायग्राम, तो डायग्राम दो तरीके से दिखाए जाते हैं। जैसे ये कोई बाउंड मीडियम है, कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक, इस तरीके से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक रे, और ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया ये, ठीक, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब भाई यहां पहुंचेगा, मान लो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आई है, अब यहां पहुंचेगा तो रिफ्रेक्शन होगा, तो रिफ्रेक्शन दो तरह से होता है, कि अगर रेरर, अगर ये मीडियम रेरर और ये मीडियम डेंसर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेरर से डेंसर जाएगी तो बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल के टुवर्ड्स में जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, लेकिन हो गई कैसे, ऐसे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, याद रहेगा कि जब रेरर से टेंशन जाएगी तो हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल के टू पार्ट्स में बेंड हो जाएगी, ठीक, ये बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखो, अगर फिर से लाइट रे आ रही है भैया, ये देखो आई पे एंगल पे इंसिडेंस करी, लेकिन अब डेंसर से रेरर जा रही है, ठीक, तो अगर डेंसर से रेरर जाएगी तो जानी चाहिए थी, तो नॉर्मल है, लेकिन हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे इसको बोलते हैं एंगुलर, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना आर टू टी जब होती है तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन से बड़ा होगा, लेकिन जब डेंसर से रेरर जाती है लाइट रे तो हमेशा आई इज लेस देन आर, यानी कि आई लेस देन आर रहता है, याद रहेगी बात सभी को? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत का, किसी को कोई तकलीफ हो बताओ? नो सर। दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, नंबर वन लॉ क्या कहता है, नंबर वन लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, ठीक। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि इसको दूसरे वाले को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक, स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant, clear ho gayi baat, isme kisi ko takleef? Yes sir. No sir. Theek, to ye Snell's law hai, samajh gaye? Chaliye
तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन सर, ले लिया। गुड, यस सर। ठीक, तो अब हम इसको हटाते हैं। अब जरा आगे देखिए, इसका आगे वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं। ओके, आ जाओ भाई, आगे समझते हैं क्या बात है इसमें। तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। अब यहाँ पे अगली बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ओके। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर आपने पढ़ा था ना, एक्चुअल में यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो कांस्टेंट आता था ना बराबर में, साइन आई इक्वल टू साइन आर में इक्वल टू वन एंड टू, मान लो चलते कांस्टेंट आ गया, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसको डिफाइन करेंगे दो तरह से। पहला ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई दिखा रहे हैं शॉर्ट में इसको, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से शो कर सकते हैं, और इसको लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, दैट इज एन इक्वल टू सी अपॉन वी। वी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो गई और सी हो गई जो है वैक्यूम में एयर में। कोई बता सकता है यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? यूनिट बता सकता है कोई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? होगी नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों देखो स्पीड का रेशियो है ना, तो ऊपर वाले का भी यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे वाले का भी मीटर पर सेकंड, तो कोई यूनिट बची क्या? नो सर। हाँ, ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। कई बार वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के रिस्पेक्ट में बताता है दूसरे के रिस्पेक्ट। अगर दो है मीडियम तभी ये काम में आएगा। अगर एक मीडियम उसमें से एयर या वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करता है। ठीक, लेकिन अगर कहीं पर दो अलग अलग मीडियम है एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम, उस कंडीशन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एक एग्जाम्पल कर ले ऊपर वाले का। मान लेते हैं कि स्पीड एक लाइट रे है जो कि मान लो वैक्यूम से एयर या वैक्यूम से वाटर में जा रही है, या हमने मान लिया ग्लास में जा रही है, तो सी तो आपको मालूम है कितना होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर ग्लास में जा रही है तो ग्लास में भी आप पढ़ के आए 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो एन आएगा वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन वी, यानी कि 3/2, 3×10⁸ अपॉन 2×10⁸। 10⁸ ऊपर नीचे कट गया, 3/2 का मतलब कितना आया, 1.5। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ग्लास होता है ना, ग्लास जैसा मिलन से दिखा रहे थे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। याद रहेगा सभी को? यस सर। अब जरा आ जाओ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। लेट वी हैव मीडियम वन एंड मीडियम टू एंड लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम ओके, मीडियम वन से कहां जा रही है, टू में जा रही है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसको वन एंड टू लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, वन एंड टू। हमेशा जो जिसके रिस्पेक्ट में मीडियम लिखा जाता है उसको बाद में लिखते हैं,
ठीक है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू दूसरे का लिख रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, तो वन एंड टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, यानी पहले में जो स्पीड है मान लेते हैं वी वन, और दूसरे में स्पीड कितनी है मान लेते हैं वी टू, तो वन एंड टू इक्वल टू कितना आ गया, वी वन अपॉन वी टू हो गया। तो अब ये कुछ बात समझ में आई, तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, जब लाइट रे एयर और वैक्यूम से किसी मीडियम में जाए, और रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, जब भैया जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब जो स्पीड जो लाइट की होती है उनका रेशियो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। सर एक बार समझा दीजिए इसको। हमने कहा अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट रे, पहला मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, दूसरे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, तब उस कंडीशन में द रेशियो ऑफ द स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू द रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, वन एंड टू को आप लोग लिख सकते हैं एंड टू अपॉन एंड वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू भी लिख सकते हैं। ठीक, दैट साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं, वो तो पहले ही लिखा, सबसे ऊपर लिखा, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नहीं लिखने की जरूरत है, तो वन एंड टू इक्वल टू एंड टू अपॉन एंड वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, यानी वन एंड टू लिखा है, यानी कि इसका मतलब हो जाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब जल्दी से इसका बताना, अगर हमने लिखा है ए का मतलब एयर है या एन लिखा है, और यहाँ पर फिर आगे जी लगा है, जी का मतलब ग्लास है, तो ए एन जी का मतलब कौन बताएगा? सर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गैस, गड़बड़ है, ग्लास 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 विद रिस्पेक्ट टू एयर। यस सर, इसका मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास स्लैब With respect to air. अब बात समझ में आई सभी को? अच्छा, दूसरा अगर A for air, N और फिर लिखा है W, इसका मतलब क्या है? Sir, refracting index of water with respect to air. Good. Sir, refracting index with water. Refractive index of water with respect to air. अच्छा, कहीं पे लिखा है WNG, इसका मतलब क्या है? Sir, refracting index of glass with respect to water. Good. So WNG का मतलब हो गया refractive index of glass with respect to water. ठीक? अच्छा, अगर GNA लिखा है इसका क्या मतलब है? Refracting index of air with respect to glass. सभी को बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट? No sir. सर एयर और वैक्यूम, ये सब सर एयर और वैक्यूम ये सर रेयर मीडियम है ना? रेयर मीडियम है, एयर और वैक्यूम जो है रेयर मीडियम, मतलब रेयरेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक, वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बराबर होती है, तो रेयरेस्ट मीडियम है ये। फिर अगर वाटर, सर यही रेयर मीडियम है कि और भी, ग्लास भी है सर रेयर मीडियम? ग्लास ग्लास रेयर नहीं, ग्लास डेंसर है, क्योंकि देखो ग्लास कैसे बनता है। अगर सर सर वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर सर, तो आप देखो जैसे वाटर है, तो वाटर में देखते हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं थोड़ा सा, इसीलिए पानी फैल जाता है। ठीक है, अब ग्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लास में मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वाटर ग्लास के कंपेयर में रेयर हो जाएगा। अब बात समझ में आई? अगर वाटर है हमारे पास, ग्लास है हमारे पास, तो वाटर इज रेयरर देन द ग्लास और ग्लास इज डेंसर देन द वाटर। अब बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब चलो इसको हटाएं जरा, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। एक और खास बात जो है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे एक लाइट रे आ रही है ऐसे आई एक लाइट रे, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और आने के बाद आपको मालूम जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन चली जाएगी कैसे टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया। ये क्लियर हो गई बात? यस सर। अब यहां पर आपने एक अगर प्लेन मिरर लगा दिया 45 डिग्री पे, जैसे लाइट रे आ रही है उसके परपेंडिकुलर एक आपने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, ठीक है। तो जैसे लाइट रे आई थी वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई सभी को? यस सर। अगर yes, वो मीडियम वन कहते हैं और नीचे वाले को मीडियम क्या कहते हैं, टू कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि वन एंड टू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर साइन आई अपॉन साइन आर। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। आप अगर देखो दूसरे से पहले में वापस लौट गई, अगर जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू एन वन, कितना आ जाएगा टू एन वन, और यहाँ से अब लाइट रे वापस लौट रही है तो जो आर है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और जो आई है वो एंगल ऑफ कितना हो गया, आर हो गया। तो टू एन वन इक्वल टू साइन आर अपॉन कितना हो जाएगा, साइन आई। साइन आई। इसको इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या लिखने में? नो सर। अब अगर इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर टू करा दे तो वन एन टू इंटू टू एन वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ओके तो साइन आई कटा साइन आर से साइन आर कट गया, तो देयर फोर वन और करके लिख लो वन एन टू इंटू टू एन वन इक्वल टू कितना आ गया वन। तो therefore अगर वन एन टू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन टू एन वन। ये याद रहेगा फार्मूला बहुत काम का है। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए एयर से ग्लास में जा रही कोई लाइट रे, तो अगर मिरर रख दे तो ग्लास से वन अपॉन जी एन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गई सब बात? सर सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ सर? एक सर मतलब एग्जांपल सर दे दीजिए, जैसे कोई न्यूमेरिकल वाला। अरे न्यूमेरिकल वाला एग्जांपल करो, करके दिखाओ। जो है मान लो हमने दिया आपको ए एन जी, जो है वो हमने आपको दे दिया 1.5, ठीक है। जी एन ए निकाल के बताओ कितना होगा, बता लोगे? अरे भाई 1/1/1.5 करो ना, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। Ang equal to अभी फार्मूला सीख के आ रहा है 1/gNa, तो Ang की वैल्यू है 1.5 इक्वल टू 1/dNa, तो GNa की वैल्यू कितनी हो गई 1/1.5 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सॉल्व कर लेना। यस सर। यस सर। 2/3 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, और 2/3 डिवाइड कर दो तो लगभग 0.6 आएगा। क्यों? अब आगे बात समझ में? यस सर आ गई। ठीक, तो यहाँ तक ही रखेंगे यार, इसके आगे भी थोड़ा सा प्लेन जो सरफेसेस है उनसे रिफ्लेक्शन बाकी है। तो अब टर्न तो इस वीक में पड़ेगा नहीं, टेस्ट आपका पड़ेगा, तो जो अगर यूट्यूब लेक्चर होगा वो हम कोई आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। वीकेंड पे एक आपको टेस्ट देना है इसका, ठीक है। इसका भी जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है ये भी शेयर कर देंगे, तो किसी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक। ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर। जल्दी बोलो जल्दी।
कौन पूछ रहा था जल्दी बोलो सर, सर सर जब कॉम्ब में सर वो वाला पूछा सर आपसे सर जब कॉम्ब में सब रब जब हम सूखे वालों पे कॉम्ब चलाते हैं समझ गए तो वहां पर डिस्चार्ज होता है इसलिए उसमें आपको स्पार्किंग दिखाई पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि कॉम्ब में पहले से निगेटिव चार्ज था, बालों पे हमारे जैसे रगड़ा हमने तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर एक डिस्चार्ज दिखाई पड़ता है। समझ गए? ओके ठीक है।